दिल्ली वर्सेज हैदराबाद का मैच खेला जाएगा और इस सीजन में 2024 में पहली बार दिल्ली में मैच हो रहा है और दिल्ली में दिल्ली को हराना बहुत मुश्किल वाली बात है। सबको लग रहा है कि हैदराबाद जीतेगा, सब लोग ट्रेविस हेड को कैप्टन बना के बैठा पड़ा है। 40% जो कैप्टन है ना ट्रेविस हेड है। और भाई साहब आज के मैच में ना अक्षर पटेल, मतलब क्योंकि दिल्ली के पिच में ना स्पिनर का बोलबाला होता है, अक्षर पटेल जो परफॉर्मेंस करके देगा ना आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब दिल्ली के पिच पे दिल्ली को हराना बहुत मुश्किल वाली बात है। देखो मुझे आज कुमार भाई का, देखो मुझे आज गिफ्ट मिला और देखो ये पूरा बूट का है और देखो ये पूरा असली गिफ्ट है। थैंक यू, मुझे आपने एक गिफ्ट दिया। लेकिन बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में। तो भाई चेन्नई का जो मैच था वो हमारा अच्छा नहीं गया, क्योंकि पता नहीं चेन्नई के साथ क्या अटैचमेंट है यार, मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मैंने आपको दो ऐसे प्रेडिक्शन दिए थे जिससे कि आपको बहुत बेटर राहत मिला होगा, बहुत बढ़िया टीम बनाने में हेल्प मिला होगा। सबसे पहले मैंने जो एक प्रेडिक्शन दिया था MS धोनी सर के बारे में कि भाई साहब अगर आप ग्रैंड लीग टीम बनाते हो कम से कम दो टीमों में जरूर रखना MS धोनी सर को, क्योंकि आज ड्रीम टीम का हिस्सा होगा। और भाई साहब आपने देखा होगा MS धोनी सर ने क्या बैटिंग किया। और जाके देखो जो भी मेगा कॉन्टेस्ट जीता होगा उसके टीम में MS धोनी सर पक्का होंगे, पक्का। और एक और प्लेयर का मैंने नाम बताया था शिवम दुबे के बारे में कि शिवम दुबे का चलना थोड़ा सा आज मुश्किल है। मुझे आज के मैच में लग रहा कि कोई उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देगा और जहां तक इनफैक्ट मेरा जो मुझे जो लग रहा सिचुएशन के आधार पे मुझे फ्लॉप ही लग रहा है। बट स्मॉल लीग टीम में लेके चलूंगा, इसलिए लेके चलूंगा क्योंकि सबके टीम में होगा। बट ग्रैंड लीग टीम में आज शिवम दुबे को मैं ड्रॉप कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं उसके पीछे कारण बता रहा हूं। फॉर्म तो बहुत बढ़िया है। और ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में बताया था कि ऋतुराज गायकवाड़ आज फ्लॉप हो सकता है। बट कल हमारा स्मॉल लीग टीम उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि वही बात है, मैं चेन्नई के फेवर में टीम बनाया था और टीम जीता लखनऊ। तो भाई साहब देखो चेन्नई के साथ एक अलग ही मेरा अटैचमेंट है और चेन्नई का मैच मेरा इस सीजन बढ़िया नहीं गया है, ठीक है। बाकी आप हर दिन उठा के देख लो भाई, जैकपॉट विनिंग कर रहे हैं, हर दिन जैकपॉट विनिंग कर रहे हैं। और आज दिल्ली का मैच है ना, आज देख लेना क्या जैकपॉट विनिंग करेंगे, देख लेना। क्योंकि आज ना सब लोग हैदराबाद के फेवर में टीम बनाएगा, सब लोग ट्रेविस हेड को कैप्टन बनाएगा, बट हमारा टीम कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, हमारा प्रेडिक्शन अलग लेवल का होगा। और आप लोग आज ग्रैंड लीग भी जीत सकते हो, स्मॉल लीग भी जीत सकते हो। जैसे MI का जो मैच हुआ था, MI वाले मैच में जैसे बुमराह को मैंने कैप्टन बनाया था, सूर्यकुमार यादव को वाइस कप्तान बनाया था, तो उसी तरह आज के मैच में भाई ऐसे प्लेयर को कैप्टन और ऐसे प्लेयर को वाइस कप्तान बनाएंगे और ऐसे से हमारे रिस्की पिक होगा जिससे कि आप लोगों को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों टीम में तहलका देखने को मिलेगा, तहलका। और आप लोग भी तहलका करोगे, सिर्फ मैं ही तहलका नहीं करूंगा, आप भी तहलका करोगे। लेकिन हाँ, कल का मैच अच्छा नहीं गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखो क्या है कि अगर 10 दिन में से 9 दिन अगर सही जाता है, एक दिन गलत जाता है तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन आज का मैच बहुत अच्छा जाएगा, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि डिफरेंट पिच है। अगर आप 2024 का अभी जितने सारे मैचेस हुआ है आप देखो, वानखेड़े में, बेंगलुरु में, लखनऊ में, कोलकाता में, हैदराबाद में, पंजाब में, लेकिन दिल्ली में अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ है इस सीजन में। और ये आज पहला बार मैच हो रहा है दिल्ली में। तो दिल्ली के पिच के बारे में सबको नॉलेज नहीं होगा, तो पिच रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले क्लियर से समझेंगे। पिच रिपोर्ट क्या होने वाला है, कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा, रिस्क पिक क्या होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे आज के मैच में, सब कुछ बात करेंगे। हाँ, कल एक और प्रेडिक्शन मेरा अच्छा गया था, अजिंक्य रहाणे। मैंने बोला था कि रहाणे अगर फर्स्ट बैटिंग करेगा तो बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे सकता है, मैं वीडियो में बकायदा बोला था रहाणे के बारे में, ठीक है। बट हाँ, फिर भी अगर हमारा टीम जब अच्छा नहीं गया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। बट आज का मैच बहुत ही खतरनाक है और भाई साहब स्मॉल लीग का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, वरना आप एक काम कर सकते हो, ये जो QR कोड दिख रहा है ना, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है टेलीग्राम में ज्वाइन होने का, सबसे आसान तरीका है वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में,
टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुंच सकते हो। अगर लिंक वर्क ना करे तो आप QR कोड जो आपको दिख रहा है इसको स्कैन कर सकते हो, वरना आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, ऐप पे जाके लिखना है @KUMAR508TFCE। जब आप ये लिखोगे ना तो आपको 2,45,000 का टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, 2,45,000 का टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, जब IPL का स्टार्ट हुआ था ना पहला मैच, तब था टेलीग्राम पे 157K, और आज सोचो 2,45,000 हो चुका है, तो कितने लोग फ़ायदा उठा रहा है। तो भाई साहब सबसे आसान तरीका है, फर्स्ट कमेंट में लिंक पिनअप करके दे दूंगा टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। अगर वो वर्क ना करे तो आप सर्च कर सकते हो, अगर ये भी वर्क ना करे क्या सर्च करना है, @KUMAR508TFC बिना स्पेस डाले हुए, वरना आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे गिवे, जो लोग गिवे जीता उसका यहाँ पे पिक्चर्स, कोरियर, बाकी फाइनल टीम सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आसान तरीका है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई साहब अगर आप लोग गिवे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो ना तो बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक कॉमेंट करने का आपको स्मार्ट वॉच और बोर्ड का एयरड्रॉप मिल रहा है। तो भाई साहब एक कॉमेंट करने में क्या जाता है, प्यारा सा एक कॉमेंट करो और जीतो बोर्ड का स्मार्ट वॉच और बोर्ड का एयरड्रॉप। बात कर लेते हैं गिवे विनर का नाम, तो भाई विनर का नाम हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन आप पिक्चर देखो कितने भाई लोगों का फोटो है, आपका भी पिक्चर इस तरह दिखाई दे सकता है, सिर्फ एक कमेंट करोगे तो आप विनर बन सकते हो। बाकी कल के वीडियो का विनर देखो कुछ इस प्रकार का है, जैसे एक राहुल है, रंजन कुमार है, ठीक है, तो सब लोगों ने गिवे जीता है, और ये लोग देखो कमेंट करा है, आप भी कमेंट करो आप भी विनर बन सकते हो। कुछ नहीं करना, वीडियो के जो कमेंट है ना वहाँ पे बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट में जाओ और एक कमेंट कर दो बस। वेन्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये मैच खेला जाएगा दिल्ली के ग्राउंड में, दिल्ली में मैच हो रहा है, इस सीजन में पहली बार मैच हो रहा है, और आपको बताता हूँ ये जो पिच है ना बैलेंस पिच है, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया, देखो येलो कलर का हाईलाइट कर दिया, बैलेंस सरफेस है। यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ है, यहाँ पे बैट्समैन भी ठीक ठाक कर लेता है, बॉलर भी ठीक ठाक कर लेता है, स्पिनर को भी अच्छा हेल्प मिलता है और पेसर्स को भी अच्छा हेल्प मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबके लिए एडवांटेज है। लेकिन एक नंबर पे जो आप प्रेफरेंस दोगे, सबसे पहले जो यहाँ पे प्रेफरेंस दोगे वो देना अपने टीम में बॉलर्स को, यहाँ क्योंकि यहाँ पे ना अच्छे खासे टर्न देखने को मिलता है, टर्न यहाँ पे अच्छा खासा होता है, तो कहीं ना कहीं स्पिनर यहाँ पे टर्न यहाँ पे स्पिनर अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस करके दे सकता है, इस पिच पे स्पिनर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। खास करके आपको बताता हूँ दिल्ली का जो ऑलराउंडर ना अक्षर पटेल, यहाँ पे बैटिंग भी बढ़िया करता है, बॉलिंग भी बढ़िया करता है। आप तो आपको सीधा सीधा बोलूँगा कि आज अक्षर पटेल को चाहो तो आप कैप्टन वाइस कप्तान भी बना सकते हो, ठीक है, कैप्टन या वाइस कप्तान भी बना सकते हो, क्योंकि जब भी दिल्ली में मैच होता है अक्षर पटेल और वार्नर ये दो प्लेयर हमेशा परफॉर्मेंस करके देता है हमेशा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बॉलर्स जो है ना वो डोमिनेट करते हुए दिखाई देगा बैट्समैन पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिच का नाम अगर वेन्यू का नाम देखोगे तो नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है, और यहाँ पे मैं काफ़ी मैचेस भी देख चुका हूँ, दिल्ली में काफ़ी मैचेस देख चुका हूँ, और दिल्ली वर्सेस MI का मैच हुआ था तो वो भी देखने के लिए गया था, जिसमें अक्षर पटेल ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था। तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे स्पिनर सबसे पहले पिक करना अपने टीम में, तो सबसे पहले अपने टीम में किसको पिक करना है, स्पिनर को, खास करके ऐसे स्पिनर जो ऑलराउंडर है, जो बैटिंग भी करता है, जिनका 3-4 नंबर पर बैटिंग करने बैटिंग करने आएगा और बॉलिंग भी करेगा, स्पिनर सबसे पहले पिक करना। फिर 2 नंबर पे बैट्समैन रखना, ओपनर बैट्समैन, ठीक है, ओपनर बैट्समैन जरूर रखना, जैसे वार्नर, इधर से वार्नर हो गया, आज एडम मर्करम अच्छा करते हुए दिखाई देगा, तो पैट कमिंग्स भी अच्छा कर सकता है, बॉलर है लेकिन बैटिंग भी कर लेता है, तो बैट्समैन 2 नंबर पे बैट्समैन को अपनी टीम में लेके चलना, 2 नंबर पे। 3 नंबर पे अपनी टीम में फास्ट बॉलर को लेके चलना, वो भी जो कि दैत में बॉलिंग फेंकता है, ऐसे बॉलर को 3 नंबर पे फास्ट बॉलर को लेके चलना, ठीक है, तीसरी नंबर पे रखना फास्ट बॉलर, लेकिन पहले पे अपने टीम में स्पिनर को रखना, खास करके ऑलराउंडर, उसके बाद बैट्समैन, और फिर 3 नंबर पे फास्ट बॉलर को लेके चलना। तो आपको थोड़ा थोड़ा पिच रिपोर्ट समझ में आ गया होगा, बाकी फाइनल जो पिच रिपोर्ट है वो 6:45 पे एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आता है, वो हम आपको इसी वीडियो में हम मतलब इसी चैनल पे लाइव आते हैं और लाइव में हम आपको बता देंगे, ठीक है।
तो लाइव जुड़ जाना, 5:30 बजे हम लाइव आते हैं, वरना टेलीग्राम पे भी हम आपको पिच रिपोर्ट बता देंगे। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिनअप करके दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे 84 मैचेस खेला गया, काफ़ी मैचेस हुआ दिल्ली में, जिसमें कि सेकंड बैटिंग करने वाला यहाँ पे ज़्यादा जीतता है। फर्स्ट बैटिंग के मुताबिक 46 बार सेकंड बैटिंग वाला जीता है, फर्स्ट बैटिंग करने वाला 38 बार जीता है। लेकिन हैदराबाद ऐसी टीम है जो फर्स्ट बैटिंग करता है तभी जीतता है, सेकंड बैटिंग में हैदराबाद हमेशा फ्लॉप होता है। लिख ठीक है, ये याद रखना। वैसे इस बार अगर देखोगे दिल्ली और हैदराबाद का अगर आप निकालोगे ना, तो हैदराबाद थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो रन बनता है, यहाँ पे एवरेज रन बनता है 150 से 160 के बीच में, यहाँ पे ज़्यादा रन बनता है 150 से 160 के। वेन्यू की बात करते हैं, अरुण जेटली स्टेडियम में जो 4 मैच हुआ था पिछला साल उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बस चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के साथ मैच हुआ था, चेन्नई ने बनाए थे यहाँ पे 223 रन, 3 विकेट गिरा था, और दिल्ली कैपिटल का 9 विकेट गिरा था, जिसमें कि स्पिनर ने 3 विकेट लिया था और फास्ट बॉलर ने यहाँ पे 9 विकेट लिया था। ठीक है, यहाँ पे फास्ट बॉलर को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिला है। अगर यहाँ पे देखोगे 13 मई 2023 को मैच खेला गया था पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के साथ, यहाँ पे भाई साहब जस्ट उल्टा हुआ था, 9 विकेट लिया था स्पिनर ने और फास्ट बॉलर को मिला था 5 विकेट, जिसमें कि दोनों तरफ से विकेट अच्छा खासा गिरा था। ये मैच कौन जीता था? पंजाब किंग्स, 31 रन से ये मैच पंजाब किंग्स जीता था। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल का मैच हुआ था, जिसमें ये दिल्ली जीता था 7 विकेट से, और यहाँ पे स्पिनर के देखोगे तो 1 विकेट मिला है और फास्ट बॉलर को मिला यहाँ पे 6 विकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे सनराइज हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल का मैच हुआ था, यहाँ पे हैदराबाद जीता है, जिसमें कि 5 विकेट फास्ट बॉलर ने लिया था, स्पिनर को मिला था 7 विकेट। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो स्पिनर को अच्छा खासा यहाँ पे विकेट मिला है, तो 18 विकेट स्पिनर को मिला है और 27 विकेट फास्ट बॉलर को मिला है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 15 विकेट, सेकंड इनिंग में देखोगे स्पिनर ज़्यादा विकेट लिया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेकंड इनिंग में स्पिनर ज़्यादा विकेट लेके जाता है, फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ज़्यादा विकेट लेके जाता है। ठीक है, सेकंड इनिंग में देखो स्पिनर ने 14 विकेट लिया, वहीं सेकंड इनिंग में स्पिनर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 4 विकेट और सेकंड इनिंग में 14 विकेट, सीधे सीधे 10 विकेट ज़्यादा है सेकंड इनिंग में। अगर हेड टू हेड मैच की बात करते हैं, ये मैच 2023 में 29 अप्रैल को खेला गया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे हैदराबाद ने 157 रन का पारी खेला था, 6 विकेट गिरा था हैदराबाद का, वहीं 188 रन का पारी खेला था दिल्ली कैपिटल। ये मैच हैदराबाद जीता था और कितना, 9 रन से ये मैच जीत लिया था, जिसमें अभिषेक शर्मा 67 रन का पारी खेला था, हेनरी क्लासन 53 रन का पारी खेला था, आज भी हेनरी क्लासन अच्छा खेल सकता है, और 28 रन का पारी खेला था अब्दुल सामद। मयंक मार्कंडे ने 2 विकेट लिया था। ठीक है, इधर से देखोगे फ्लिप साठ 59 रन का पारी खेला था, मिचेल मार्क्स 63 रन का पारी खेला था, और अक्षर पटेल यहाँ पे 29 रन का पारी खेला था। मिचेल मार्क्स ने यहाँ पे 4 विकेट लिया था और 1 विकेट लिया था अक्षर पटेल ने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो अक्षर पटेल अच्छा बैटिंग करता है, हमेशा इस वेन्यू पे अच्छा बैटिंग करता है अक्षर पटेल। अगर लास्ट फिर से हेड टू हेड मैचेस की बात करते हैं, ये वाला अगर मैच देखोगे, ये मैच खेला गया था हैदराबाद में, जिसमें कि दिल्ली कैपिटल 144 रन का पारी खेला था, 9 विकेट गिरा था, और यह मैच दिल्ली जीता था। हैदराबाद 137 रन ही बना पाया था, जिसमें अग्रवाल, हेनरी क्लासन, यहाँ पे भी देखो हेनरी क्लासन बढ़िया परफॉर्मेंस किया, वसुंगरेंद्र सुंदर 24 रन, सुंदर ने 3 विकेट लिया था और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिया था। एक बात आप नोटिस करना, पिछले साल 2 मैच हुआ था, दोनों मैचों में हेनरी क्लासन ने तबाही किया, तो कहीं ना कहीं आज हेनरी क्लासन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगर पहले बैटिंग करें तो कैप्टन भी बना सकते हो आज हेनरी क्लासन को। डेविड वार्नर 21 रन, मिचेल मार्क्स 25 रन, मनीष पांडे 34 रन, अक्षर पटेल 34 रन, और अक्षर पटेल, हेनरी क्लासन और अक्षर पटेल हमेशा रन बनाया। अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिया था, 2 विकेट लिया था नॉर्किया ने। भाई साहब अगर आप माई 11 सर्कल पे नहीं खेलते हो तो माई 11 सर्कल पे खेलना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे आपको ढेर सारी ऑफर मिलेगा। सबसे पहले अगर आप ऑफर देखोगे ना, सबसे बेस्ट जो ऑफर है माई 11 सर्कल पे, एक तो सबसे पहले आपको 1500 इंस्टेंट कैश बोनस मिलेगा अगर मेरे रेफर से डाउनलोड करोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी माई 11 सर्कल का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। मेगा कॉन्टेस्ट 1 करोड़ है, फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ है, आप ये जीत सकते हो। ऊपर से आपको बताता हूँ ऑफर्स क्या है। अगर आप मेरे रेफर से डाउनलोड करोगे तो आपको 1 रुपया में एंट्री फीस आपको 1 रुपया लगेगा, 1 रुपया, और आप 25,000 जीत सकते हो, एक गारंटी प्राइज है, तो आप 25,000 जीत सकते हो सिर्फ 1 रुपया लगा के माई 11 सर्कल पे। डिपॉजिट ऑफर भी है, अगर आप अभी डाउनलोड करोगे किसी भी नए फ़ोन से, या किसी मतलब अगर आपके पास पहले डाउनलोड है तो नहीं होगा ये फ़ायदा, अगर आप नए डाउनलोडिंग करोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे डिपॉजिट करोगे मान लो आप 200 रुपया, तो आपको सीधे सीधे 240 रुपये मिलेगा, 40 रुपये प्रॉफिट, और ज़्यादा जैसे आप अगर 1000 डिपॉजिट करोगे ना आपको 1200 मिलेगा,
तो सोचो ये रियल कैश मनी मिलेगा, आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग कुछ भी खेल के विड्रॉ कर सकते हो। तो भाई साहब देर क्यों कर रहे हो, माई इलेवन सर्कल ऐप पे खेलो, डाउनलोड करो। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में लिंक है, डाउनलोड कर लेना और खेलना स्टार्ट कर देना। रेफर कोड मांगे तो कुमार फाइव जो डाल देना, जैसे कि आपको 1500 का बोनस भी मिल जाएगा। पॉइंट टेबल की बात करते हैं तो अगर आप देखोगे हैदराबाद वर्सेज दिल्ली, तो हैदराबाद फोर्थ पोजिशन पर है और दिल्ली कैपिटल सिक्स पोजिशन पर है, मतलब चार और छः की लड़ाई है, जिसमें कि हैदराबाद छः मैच में चार जीता है, दो हारा है, और दिल्ली कैपिटल देखोगे सात मैच में तीन जीता है और चार हारा है। ठीक है, प्लेइंग इलेवन में क्या कोई चेंजेस होगा? हाँ हो सकता है, क्योंकि ये मैच दिल्ली में है और दिल्ली का पिच कुछ अलग टाइप का पिच होता है, जिसमें हो सकता है कि आज के मैच में जैक फ्रेशर ना खेले। ठीक है, इस प्लेयर पे मुझे कम चांस लग रहा है कि आज ये खेलेगा, बाकी और ज़्यादा कोई चेंजेस होगा नहीं। हाँ हो सकता है कि अगर देखोगे तो कुलदीप यादव बॉलिंग करेगा चार ओवर, ठीक है, अक्षर पटेल तो पूरे करेगा, ये तो इम्पॉर्टेंट ही होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे खलील अहमद चार ओवर बॉलिंग करेगा, ठीक है, और इस मुकेश कुमार चार ओवर बॉलिंग करेगा, ईशांत शर्मा भी शायद चार ओवर बॉलिंग करेगा। लेकिन अगर बाय द वे अगर कोई चेंजेस होता है, जैसे स्पिनर को हेल्प मिलता है या पेसर्स को हेल्प मिलता है, या तो हो सकता है कि मिचेल मार्क्स को आज मौका मिल सकता है, मिचेल मार्क्स खेल सकता है क्योंकि अच्छा बैटिंग कर लेता है, कहीं ना कहीं जैक फ्रेशर की जगह मिचेल मार्क्स को मौका देना चाहिए आज के मैच में। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज होगा, जैक फ्रेशर की जगह चेंज होगा। इधर से बात करते हैं सनराइज हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा अच्छे फॉर्म में है, खेलेगा, ट्रेविसर भी खेलेगा, मैरकरम भी क्लास है, इधर से कोई चेंजेस शायद नहीं होगा। बॉलिंग कौन पूरे चार ओवर करेगा? भुवनेश्वर चार ओवर, नटराजन चार ओवर, और अगर देखोगे पैट कमिंग्स चार ओवर करेगा, और यहाँ पे जयदेव नटखट चार ओवर करेगा। अब थोड़ा सा जो भी बॉलिंग बचेगा, हो सकता है आज के मैच में आपको मरकरम बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा, एडम मरकरम, और आज इंपॉर्टेंट होगा मरकरम। कल भी मैंने बोला था स्टोनिस बॉलिंग करेगा, किया था ना। तो अगर इधर से बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से देखोगे ना लेफ्टी बहुत है, एक दो तीन चार पाँच लेफ्टी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज एडम मरकरम जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, यहाँ पे स्लो पिच है, स्पिनर को भी हेल्प मिलता है, तो कहीं ना कहीं मरकरम आज बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। और मुझे लग रहा है कि लोग पूरा दुनिया ट्रेविस हेड को कैप्टन बना रहा है आज के मैच में। आपको बताता हूँ, हेनरी क्लासन, मरकरम और अक्षर पटेल से बेटर कैप्टन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, यही तीन मुझे सबसे बेस्ट कैप्टन दिखाई दे रहा है। चलिए स्टैट्स पे चलते हैं, सबसे पहले दिल्ली कैपिटल के प्लेयर के बारे में समझते हैं। अगर देखते हैं सबसे पहले जो नाम आता है पृथ्वी शॉ का इस वेन्यू पे जो परफॉर्मेंस है ना, ठीक है, बहुत ही ख़राब नहीं है। अगर आप देखोगे तो 25 का एवरेज रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे, 30 का एवरेज रिकॉर्ड है हैदराबाद के अगेंस्ट में, और लास्ट तो अच्छा नहीं गया था, लेकिन अगर देखोगे लास्ट मैच भी बढ़िया नहीं गया था, लेकिन हाँ इस बार पृथ्वी शॉ बढ़िया खेल रहा है, संभल संभल के खेल रहा है। अब देखो इतना मैचेस में बढ़िया खेलेगा तो कोई एक मैच में तो फ्लॉप होगा ही होगा, तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करे, लो सिलेक्शन पिक होगा पृथ्वी शॉ का, बहुत ही कम सिलेक्शन होगा, मुझे लग रहा है कि स्मॉल लीग टीम में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच के लिए, और कहीं ना कहीं जीएल में भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे 2023 में भी बढ़िया नहीं खेला था, और इंटरनेशनल मैचेस में भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब नाम नहीं है पृथ्वी शॉ का, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ अपने आप को प्रूव करने के लिए बढ़िया खेलेगा भाई साहब, अगर नहीं खेलेगा तो फिर करियर ख़राब हो सकता है। और आने वाले टाइम में देखो अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है, वर्ल्ड कप में तो सिलेक्शन मुश्किल है, बट पृथ्वी शॉ खेलेगा आज के मैच में, ठीक है, मेरा जो प्रिडिक्शन है खेलेगा, परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि अभी फॉर्म में भी है, प्लेयर फॉर्म में भी है, और आज के मैच में अगर बैटिंग फर्स्ट किया तो इंपॉर्टेंट होगा। डेविड वार्नर भी आज अच्छा कर सकता है, पिछला मैच अभी देखोगे तीन मैचों से फ्लॉप है, वार्नर का आज आपको बैटिंग देखने को मिलेगा, आज खेलेगा तोड़ेगा भी, क्योंकि दिल्ली में जब भी मैच होता है वार्नर अच्छा खेलता है। और कहीं ना कहीं अगर सेफ कैप्टन भी बनाना चाहते हो तो आज के मैच में, ठीक है, सेफ अगर कैप्टन बनाना चाहते हो तो आज के मैच में बना सकते हो वार्नर, आज के मैच में वार्नर भी आपके लिए ठीक कैप्टन रहेगा, ठीक ठाक कैप्टन रहेगा। फॉर्म की बात करते हैं, इस वेन्यू पे 34 का एवरेज रिकॉर्ड है हैदराबाद के अगेंस्ट में, 30, और लास्ट आईपीएल गया था 36 का एवरेज रिकॉर्ड। कहीं ना कहीं आज पृथ्वी शॉ वार्नर दोनों एक अच्छा स्टार्ट करेगा, और मुझे लग रहा है कि पावर प्ले में शायद आज आपको ठीक ठाक बैटिंग देखने को मिलेगा दिल्ली कैपिटल की तरफ से, दोनों ठीक ठाक बैटिंग करेगा। साई होप की बात करते हैं, साई होप अगर वन डाउन आया तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये टेक्निकल बैट्समैन है, लेकिन अगर इसका बैटिंग नीचे है तो कहीं ना कहीं हम अपनी टीम में नहीं रखेंगे, बैटिंग नीचे है तो नहीं रखेंगे, ठीक है। ऋषभ पंत की बात करते हैं, पिछले मैच में रन नहीं बना पाया था, इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आज के मैच में दिल्ली कैपिटल भारी पड़ सकता है हैदराबाद पे, क्योंकि अब आगे बात करते हैं, ऋषभ पंत भी आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है यहाँ पे, देखोगे लास्ट आईपीएल लास्ट नहीं 2022 में 30 का एवरेज गया था हैदराबाद के, इसमें 50 का एवरेज रिकॉर्ड है, और इस वेन्यू पे 33 का एवरेज रिकॉर्ड है, साथ में विकेट कीपिंग भी करेगा,
जैसे कल मैंने केएल राहुल के बारे में बताया था कि आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देके जाएगा और बैटिंग से भी पॉइंट देके जाएगा, इंपॉर्टेंट था। उसी तरह आज भी ऋषभ पंत हमारे मैच के लिए इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न स्टब्स है, जैक फ्रेशर है, अक्षर पटेल है और मुकेश कुमार है। अब यहाँ पे हम किसको रखें, तो हम जैक फ्रेशर को नहीं रखेंगे। मुझे लगा कि आज के मैच में अगर खेला भी तो कोई खास ज़्यादा परफॉर्मेंस कर नहीं पाएगा, तो इसलिए जैक फ्रेशर को नहीं रखेंगे अपनी टीम में। मुझे फ्लॉप ही दिखाई दे रहा है आज के मैच में। वैसे दो मैचों से बढ़िया खेल रहा है, ठीक है, फॉर्म में भी ठीक है, लेकिन हिट एंड मिस प्लेयर है, ठीक है। टेस्टर स्टब्स की बात करते हैं, पिछले मैच में बैटिंग से पॉइंट नहीं दिया था, बैटिंग आया नहीं था, लेकिन दो विकेट लिया था, ठीक है। हो सकता है कि आज भी बॉलिंग करे स्टब्स, तो अगर दिल्ली पहले बैटिंग करेगा तो मस्ट हैव पिक होगा, हम टीम में लेके चलेंगे। अक्षर पटेल आज के मैच के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, लोग इनको ड्रॉप कर रहा है, लेकिन आपको बता दूं जब भी दिल्ली में मैच होता है आप अक्षर पटेल का देख लेना, हमेशा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो इस वेन्यू पे 17 मैच में 12 विकेट और 40 का एवरेज रिकॉर्ड है, क्योंकि बैटिंग यहाँ पे बहुत अच्छा करता है अक्षर पटेल, बहुत अच्छा करता है भाई। फेवरेट ग्राउंड माना जाता है, अक्षर पटेल का फेवरेट ग्राउंड माना जाता है, बैटिंग से आपको आज पॉइंट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप सेफ वाइस कप्तान बनाना चाहते हो बना सकते हो आज के मैच में, सेफ वाइस कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हैदराबाद के अगेंस्ट में 12 मैच में 16 विकेट लिया, 24 का एवरेज रिकॉर्ड है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। मुकेश कुमार की बात करते हैं, इस वेन्यू पे कोई खास रिकॉर्ड नहीं है और हैदराबाद के अगेंस्ट में भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आज के मैच में मुकेश कुमार शायद फ्लॉप होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। मेरा प्रिडिक्शन है कि फ्लॉप जाएगा मुकेश कुमार। ईशान शर्मा की बात करते हैं, राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, 13 मैच में 15 विकेट लिया इस वेन्यू पे, लेकिन हैदराबाद के अगेंस्ट में ज़्यादा कोई खास रिकॉर्ड है नहीं ईशान शर्मा का। पिछले मैच में 2 विकेट लिया था, ठीक है, राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है। अगर आप दिल्ली को जिता रहे हो और दिल्ली अगर पहले बैटिंग कर रहा है, दिल्ली अगर पहले बैटिंग करे तो ईशान शर्मा को अपनी टीम में लेके चलना, दिल्ली अगर फर्स्ट बैटिंग करे तो ईशान शर्मा को अपनी टीम में लेके चलना, और अगर सेकंड बैटिंग करे, ठीक है, अगर पहले बॉलिंग करे तो ये फ्लॉप रहेगा, सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट होगा। कुलदीप यादव की बात करते हैं, इस वेन्यू पे देखोगे तो 11 मैच में सिर्फ 8 ही विकेट ले पाया, हैदराबाद के अगेंस्ट में 13 मैच में 12 विकेट लिया है, और कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टर्न मिला स्पिनर को, खूब ज़्यादा हेल्प मिला, कहीं ना मिलता है हेल्प दिल्ली के बीच में, मिलता है स्पिनर को हेल्प, तो कुलदीप यादव मुझे लगा एक से प्लस विकेट लेके देगा, टीम में रखना चाहिए, क्वालिटी स्पिनर है। खलील अहमद की बात करता है, लेफ्ट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, इस वेन्यू पे 6 मैच में सिर्फ 3 विकेट ले पाया, और हैदराबाद के अगेंस्ट में 1 मैच खेला था, 3 विकेट लिया था। खलील अहमद अभी इस सीजन बढ़िया कर रहा है, हर मैच में बढ़िया कर रहा है, डेथ में बॉलिंग मिल रहा है, पावर प्ले में बॉलिंग मिल रहा है, तो अच्छा कर रहा है खलील अहमद। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज के मैच के लिए खलील अहमद उतने इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना आप लोग सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे आज के मैच में तो खलील अहमद यूजलेस लग रहा है, बाकी देख लेना आप अपनी टीम। बाकी बेंच प्लेयर की बात करते हैं, तो भाई साहब बहुत सारे बेंच प्लेयर हैं, जिसमें से ये तीनों में से किसी का खेलने का चांस मेरे को तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि खेलेगा। पिछले मैच दिल्ली जीत के आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कोई चेंजेस करेगा नहीं। 6 मैच में 6 विकेट लिया ओसवाल ने, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल में अच्छा परफॉर्मेंस है। कुमार का भी डोमेस्टिक लेवल में देखोगे तो बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रवीण दुबे, तो लास्ट सीजन खेला था, 1 मैच मौका मिला था, 1 विकेट लिया था, तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर बात करते हैं यश दुल, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है यश दुल, ठीक है, लेकिन देखो डोमेस्टिक लेवल में बढ़िया किया है, यहाँ पे कुछ मौका मिल नहीं रहा है। स्वास्तिक चिकारा की बात करते हैं, ये भी डोमेस्टिक लेवल में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, यहाँ पे मौका मिल नहीं रहा है। अभिषेक पौरेल की बात करते हैं, तो पौरेल को मौका लास्ट मैच में मिला था, सिर्फ 7 का एवरेज रिकॉर्ड गया था, तो इसको तो शायद नहीं खिलाएगा टीम। रिकी भुई भाई साहब महंगा खरीदा है इस प्लेयर को, और चांस भी दिया 1-2 मैचों में, लेकिन ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो इसको फिर बेंच में धकेल दिया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आज भी ना खेले रिकी भुई। बाकी डोमेस्टिक लेवल में कतई जहर, बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस किया है। मिचेल मार्क्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आज मिचेल मार्क्स को मौका मिलना चाहिए, जैक फ्रेशर के जगह मिचेल मार्क्स को खिलाना चाहिए, क्योंकि इस वेन्यू पे 6 मैच में 18 का एवरेज है, 9 विकेट है। अगर आज दिल्ली कैपिटल मिचेल मार्क्स को खिलाता है तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली जीतेगा, और अगर मिचेल मार्क्स को अगर आज नहीं खिलाएगा तो दिल्ली हार भी सकता है, और सबसे गंदा डिसीजन होगा कि अगर मिचेल मार्क्स को अगर ना खिलाए, अगर आज खिलाता है तो सबसे गुड डिसीजन होगा दिल्ली के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मिचेल मार्क्स आज खेलना चाहिए, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि मिचेल मार्क्स खेलना चाहिए। बाकी कैप्टन क्या करता है, ऋषभ पंत क्या करता है, वो भाई हम नहीं कह सकते हैं, बट 90% चांस है कि आज मिचेल मार्क्स खेलेगा, और खेला तो कहीं ना कहीं 50 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, खिलाना चाहिए, खिलाएगा तो टीम जीत भी सकता है। और रसिक सलाम की बात करते हैं, और मेरे टीम में भी रहेगा, ठीक है। रसिक सलाम की बात करते हैं, तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। एंड्रिक नॉर्किया की बात करते हैं, सामने में लेफ्टी है, स्टार्टिंग के 2 लेफ्टी है, क्या पता नॉर्किया को मौका दे, अगर फास्ट बॉलर को हेल्प मिला
तो हो सकता है मिचेल मार्क्स की जगह नौकिया भी आ जाए, लेकिन देखते हैं कौन खेलेगा। मिचेल मार्क्स का खेलना ज़्यादा खेलने के चांस है। 5 मैच में 5 विकेट 7 मैच में 6 विकेट लिया है, नौकिया का रिकॉर्ड ऐसा है। ललित यादव की बात करते हैं, 4 मैच में 2 विकेट है। जय रिचर्डसन, इसके पास ना दिल्ली के कैपिटल के पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं इस सीजन में परफॉर्मेंस क्यों नहीं करा। रिचर्डसन की बात करते हैं तो अगर इसका देखोगे तो रिकॉर्ड 4 मैच में 3 विकेट है, ठीक है, और ठीक ठाक है भाई। इतना बड़ा नामी ग्रामी प्लेयर है और इंटरनेशनल लेवल में तो तबाही मचाता रिचर्डसन, पता नहीं आईपीएल में क्यों नहीं चल पा रहा। लेकिन आपको बता दो, रिचर्डसन, नौरकिया या मिचेल मार्क्स, ये तीनों में से कोई भी खेले आज के मैच के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा दिल्ली की तरफ से, और मेरे टीम में भी रहेगा। सुमित कुमार राइट हैंड बैट्समैन है, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद का जो प्लेयर है, सबसे पहला जो प्लेयर है, सबसे जो सबके जहन में नाम है, सबके जो जहन में नाम है वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड सबसे सबके जहन में नाम होगा, सब 40% लोग कैप्टन बनाया है ट्रेविस हेड, और क्यों ना बनाए ट्रेविस हेड को भाई साहब। पूरा इंडिया को रुलाने में सबसे बड़ा जो हाथ था ट्रेविस हेड था भाई साहब। वर्ल्ड कप जो हमारे हाथ से जो छीन के लेके गया ऑस्ट्रेलिया ने, ट्रेविस हेड ने तो रन बनाया था भाई साहब। गजब का बैटिंग करता है, लास्ट में सेंचुरी लगाया था, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको बता दूं, पूरा दुनिया 40% लोग ट्रेविस हेड को कैप्टन बनाया है। आप देख लेना आज के मैच में ट्रेविस हेड इतने जल्दी आउट होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 99% आज ट्रेविस हेड फ्लॉप जाएगा। क्यों जाएगा फ्लॉप? क्योंकि भाई साहब दिल्ली का पिच बिल्कुल डिफरेंट पिच है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न मिलता है, यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्पिनर को भी हेल्प मिलता है, फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिलता है, यहाँ पे बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है। तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ ट्रेविस हेड आज फंसेगा, और ट्रेविस हेड सस्ते में निपट के जाएगा आज के मैच में। तो मेरा जो प्रिडिक्शन है बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अगर आप ट्रेविस हेड को अपने स्मॉल लीग टीम से, ग्रैंड लीग टीम से, सारे टीमों से अगर ड्रॉप कर देते हो ना, तो आप आज जैकपॉट विनिंग कर सकते हो। मैं तो बिल्कुल कैप्टन नहीं बनाऊंगा, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। मेरा कैप्टन पता है कौन रहेगा? मैंने आपको बता दिया 3 प्लेयर का नाम, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना पहले, ठीक है। 3 प्लेयर आपको बता दिया कि वही तीनों में से कोई आज कैप्टन होगा। ट्रेविस हेड आज फ्लॉप जाएगा, ठीक है, 99% चांस है फ्लॉप जाएगा, क्योंकि दिल्ली में मैच है। अगर यही मैच वानखेड़े में होता, हैदराबाद में होता, पंजाब में होता, तो मैं बोलता कि भाई साहब कैप्टन बनाओ, लेकिन दिल्ली में मैच है तो आज ये फ्लॉप जाएगा। अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, अभिषेक शर्मा हमेशा दिल्ली के अगेंस्ट में अच्छा खेला, कहीं ना कहीं मैं लेके चलूंगा इसको, फ्लॉप जाए या परफॉर्मेंस करे, लेकिन मेरे टीम में रहेगा क्योंकि इसका फॉर्म अच्छा है और ऊपर से दिल्ली के अगेंस्ट अच्छा खेलता है। इस वेन्यू पे 1 विकेट भी लिया है, 32 का एवरेज रिकॉर्ड है दिल्ली के अगेंस्ट में, 2 विकेट लिया है, 17 का एवरेज रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं मेरे टीम में रहेगा और 1-2 ग्रैंड लीग टीमों में कैप्टन भी बना के जाऊंगा। एडम मरकरम आज के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर होगा। एडम मरकरम चाहो तो वाइस कप्तान कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि पूरे बॉलिंग भी करते हुए दिखा देगा, और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 4 ओवर बॉलिंग करेगा, 4 ओवर भी बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, सामने में लेफ्टी भरा पड़ा है और स्पिनर को यहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट मिलता है, अच्छे खासे टर्न मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज एडम मरकरम इंपॉर्टेंट होगा। ग्रैंड लीग टीमों में अगर मैं 11 ग्रैंड लीग टीम बनाऊंगा तो कम से कम 5 टीमों में कैप्टन बना के चलूंगा आज एडम मरकरम को, और अक्षर पटेल, ये दोनों को कैप्टन वाइस कप्तान बना के चलूंगा, क्योंकि आज के मैच में अक्षर पटेल भी इंपॉर्टेंट होगा। तो कहीं ना कहीं मरकरम आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 8 ही रन बना पाया था, लेकिन अगर आप देखोगे दिल्ली के विरुद्ध 17 का एवरेज रिकॉर्ड है और आज के मैच में ठीक ठाक करेगा। हेनरी क्लासन मस्ट हैव पिक है, हेनरी क्लासन मस्ट हैव पिक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और हमेशा अगर आप देखोगे स्पिनर के अगेंस्ट में हमेशा क्लासन अच्छा बैटिंग करता है, और भाई क्लासी प्लेयर है, जैसे विराट कोहली ना वैसे हेनरी क्लासन भाई साहब। फ्लॉप बहुत कम होता है, बहुत फ्लॉप कम होता है, और T20I के लिए तो बहुत ही बेस्ट प्लेयर माना जाता है हेनरी क्लासन। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी प्लेयर ना चले, अगर आप किसी भी प्लेयर से डर आपको लग रहा है, तो हेनरी क्लासन को सिंपल सिंपल अगर पहले हैदराबाद बैटिंग करे, लेकिन हाँ एक शर्त है, हैदराबाद अगर पहले बैटिंग करे तो सिंपल हेनरी क्लासन को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कप्तान बना दो। मैंने पिछले मैच में भी यही बात बोला था और देखा होगा 67 रन का पारी खेला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस वेन्यू पर 28 का एवरेज रिकॉर्ड है, दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट में 29 का एवरेज रिकॉर्ड है, और लास्ट सीजन 48 का गया था, ठीक है। चलो यहाँ पे कम रन बहुत कम बनता, बहुत ज़्यादा टोटल नहीं होता यहाँ पे दिल्ली के पिच पे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेविस हेड का थोड़ा सा खतरा है, अब देख लेना। बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अभिषेक शर्मा, मरकरम और हेनरी क्लासन इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं अब्दुल सामद, क्या आज क्या करेगा अब्दुल सामद? सिलेक्शन बहुत कम होगा, बट आपको बता दूँ दिल्ली के अगेंस्ट में जब भी खेलता है तो अच्छा बैटिंग करता है अब्दुल सामद। 33 का एवरेज रिकॉर्ड है, और लास्ट IPL भी बढ़िया गया था, देख लेना। 1-2 टीमों में ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, वैसे बैटिंग भी अभी ठीक ठाक कर रहा है,
जीएल में ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। ऊपर से राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, क्या पता बॉलिंग भी कर दे। अब्दुल सामद को आज बॉलिंग भी मिल सकता है, हो सकता है या तो मरकरम या तो अब्दुल सामद, दोनों में से किसी को भी बॉलिंग मिल सकता है, और हो सकता है दो दो ओवर मिल जाए, या जिसके माथे चढ़ जाएगा जो अच्छा बॉलिंग करेगा हो सकता है उसको ज़्यादा बॉलिंग मिल जाए। तो जीएल में ट्राई करके चलना। शहबाज अहमद आज मुझे पूरी तरीके से फ्लॉप लगा, इसको तो बॉलिंग बिल्कुल नहीं मिलेगा, बैटिंग बहुत नीचे है, पूरी तरीके से फ्लॉप, इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। वैसे परफॉर्मेंस की बात करते हैं, दिल्ली के विरुद्ध 17 का एवरेज रिकॉर्ड है, 2 विकेट भी लिया है, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करते हैं, पिछले मैच में कुछ नहीं आ पाया था, ना बैटिंग ना बॉलिंग कुछ भी नहीं आ पाया था, राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, ठीक है, और एक मैच में 64 रन का पारी भी खेला, 1 विकेट भी लिया है। तो अगर पावर प्ले में ओपनिंग बैटिंग करे तो रखना, नीचे बैटिंग करने आता है तो अपने टीम से हटा दो। पैट कमिंग्स की बात करते हैं, भाई क्लासी बॉलर, पिछले मैच में 3 विकेट लिया था, ठीक है, और दिल्ली के वेन्यू पे अगर देखोगे ना, इस वेन्यू पे 7 मैच में 11 विकेट, दिल्ली के अगेंस्ट में 4 मैच में 6 विकेट, लास्ट सीजन जो गया था 5 मैच में 7 विकेट। टीम का कैप्टन है, बॉलिंग भी बढ़िया कर रहा है, पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेगा, ऊपर से डेथ में बॉलिंग करता है, पावर प्ले तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के मैच के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ड्रॉप मत करना, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर, अच्छा खासा करता है, दिल्ली के अगेंस्ट में भी अच्छा करता है, कहीं ना कहीं आज भी ये 1 से प्लस विकेट लेके देगा, क्योंकि इस वेन्यू पे 8 मैच में 11 विकेट, दिल्ली के अगेंस्ट में 8 मैच में 12 विकेट, और लास्ट सीजन भी बढ़िया गया था। तो भुवनेश्वर कुमार भी आज आपको ठीक ठाक अच्छा खासा पॉइंट देके जाने वाला है, मतलब आज बॉलर ठीक ठाक करेगा, दोनों तरफ का बॉलर इंपॉर्टेंट होगा। टी नटराजन की बात करते हैं, इसका देखोगे तो 5 मैच में 5 विकेट दिल्ली के अगेंस्ट में, इस वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नटराजन जो है एक एक विकेट लेगा, मुश्किल से लग रहा है। जयदेव उनटकर लेफ्ट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर, इस वेन्यू पे बढ़िया करता है, 9 मैच में 11 विकेट है, लेकिन दिल्ली के अगेंस्ट में 4 मैच में 5 ही विकेट है, लेफ्ट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है, कितने ओवर मिलेगा कन्फर्म नहीं है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद पूरे ओवर बॉलिंग भी ना मिले नटराजन वो उनटकट, तो इसलिए देख लेते हैं अब कैसे करेंगे। आकाश सिंह है, अनमोल प्रीत सिंह है, और फजल फारूकी है, ठीक है, ये प्लेयर है। बाकी देखो, अगर आप हैदराबाद को जिता रहे हो ना, तो फिर हैदराबाद के बॉलर को भी लेके जा सकते हो, जैसे उनटकट नटराजन लो सिलेक्शन पिक होगा, लेकिन अगर आप दिल्ली को जिता रहे हो फिर आप ड्रॉप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। बेंच प्लेयर में आकाश सिंह है, भाई साहब आकाश सिंह देखोगे 6 मैच में 5 विकेट, ठीक है, ठीक ठाक कर लेता। अनमोल प्रीत सिंह की बात करते हैं, 24 का एवरेज रिकॉर्ड, लास्ट सीजन खेला भी था, बढ़िया बैटिंग किया था। फजल फारूकी 4 मैच में 4 विकेट, ठीक है, और उसके बाद देखोगे हसरंगा को पता नहीं इस सीजन में एक भी मैच में खिलाएगा नहीं खिलाएगा पता नहीं, यहाँ पे भी नहीं खिलाएगा तो कहाँ पे खिलाएगा भाई, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है हसरंगा, और सामने में लेफ्टी है, देखते हैं हसरंगा को आज मौका देता है नहीं देता, मरेंदु हसरंगा खेला तो भाई साहब इंपॉर्टेंट होगा। बाकी वैसे अगर देखोगे इस वेन्यू पे एक मैच खेला भी था, विकेट लेस रहा था, लेकिन हेड टू हेड में 3 मैच में 2 विकेट, और बैटिंग लेकिन अच्छा कर लेता, और अभी इंटरनेशनल मैचेस में बहुत खतरनाक फॉर्म है, पिछले सीजन में 8 मैच खेला था 9 विकेट लिया था। और यहाँ पे देखोगे सुब्रमण्यम, जिनका डोमेस्टिक लेवल में 4-4 1-1 करके विकेट है, ग्लेन फिलिप्स हार्ड हिटर बैट्समैन है, ठीक है, इसका इंपैक्ट प्लेयर पे तौर पे शायद दिखाई दे, लेकिन हार्ड हिटर बैट्समैन है, और यहाँ पे नहीं चल पाएगा इस वेन्यू पे। वसीम सुंदर की बात करते हैं, ये दिल्ली के अगेंस्ट में हमेशा खेला है और हमेशा परफॉर्मेंस भी बढ़िया किया है, 2 मैच खेला था 2 विकेट लिया था, पिछला साल 2 मैच खेला था दिल्ली के साथ और अगेंस्ट में, और 5 मैच में 5 विकेट लिया, 16 का एवरेज रिकॉर्ड है। अब देखते हैं किसको खिलाता है। राहुल त्रिपाठी की बात करते हैं, इस वेन्यू पे बढ़िया बैटिंग कर लेता, 23 का एवरेज रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में 29 का एवरेज रिकॉर्ड है, और 24 का एवरेज रिकॉर्ड था लास्ट सीजन। उमरान मलिक फास्ट बॉलर को यहाँ पे अगर देखोगे इस वेन्यू पे ज़्यादा हेल्प मिलता नहीं है, और हेड टू हेड में बहुत ही खराब रिकॉर्ड है उमरान मलिक का, ठीक है। मयंक अग्रवाल अगर बैटिंग करेगा तो ओपनिंग करेगा, पिछले साल बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो खेल रहा था, इस सीजन नहीं खेल रहा है, 19 का एवरेज रिकॉर्ड है, लेकिन हेड टू हेड में लगभग 50 का एवरेज रिकॉर्ड है। मयंक मार्कंडे की बात करते हैं, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर, क्या पता आज खेल जाए, 2 मैच में 3 विकेट, 3 मैच में 3 विकेट है। मार्को जेनसंस को नहीं खिला रहा टीम, जबकि इतना खतरनाक प्लेयर है, लेकिन आज का मैच तो मुझे लग रहा है कि आज नहीं खेलेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर है इसलिए नहीं खेलेगा, 8 मैच में 10 विकेट, सामने में बहुत सारा लेफ्टी है, तो मार्को जेनसंस को आज ना ही खिलाए तो बेटर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेयर बैटल, प्लेयर मैचअप, देखो ज़्यादा है नहीं, 3 प्लेयर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, अभिषेक शर्मा जो कि अच्छे फॉर्म है, सबके टीम में होगा, उसको अक्षर पटेल ने 2 बार आउट किया है, बहुत परेशान किया, और अक्षर पटेल का भाई साहब दिल्ली फेवरेट ग्राउंड माना जाता है, फेवरेट ग्राउंड। डेविड वार्नर को उनटखट ने 2 बार आउट किया है, और पृथ्वी शॉ को भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार आउट किया, लेकिन जो सबसे खराब जो प्लेयर बैटल है, सबसे मस्त प्लेयर बैटल है, वो है अभिषेक शर्मा, भाई अक्षर पटेल ने बहुत परेशान किया अभिषेक शर्मा, अब देख लेना आप। चलिए प्रिडिक्शन सुन लेते हैं,
तो अगर देखोगे यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है आज का मैच अक्षर पटेल में, आज के मैच में अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट होगा, 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा क्योंकि दिल्ली के वेन्यू में अक्षर पटेल हमेशा परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं हर दिन लिखता था कि ये टीम जीतेगी इतना परसेंट, आज मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैच वही जीतेगा जो टॉस जीतेगा। देख लेना टॉस कौन जीता। और ऊपर से आपको बताता हूँ, अगर हैदराबाद पहले बॉलिंग करे ना, अगर हैदराबाद ने पहले बॉलिंग का फैसला लिया तो हैदराबाद का हारना तय है। तो जो भी टॉस जीतेगा, अगर हैदराबाद पहले बैटिंग किया तो फिर मुश्किल है दिल्ली को जीतना, तो टॉस जीतेगा जो वही मैच जीतेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं आज के मैच में। कल का अगर मैच की बात करते हैं, प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो भाई सब कुछ हमारे सही भी गए, जैसे केएल राहुल विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देके जाएगा, बैटिंग से भी देके जाएगा, शिवम दुबे फ्लॉप होगा, लेकिन कुछ हमारे खराब भी गए क्योंकि चेन्नई के साथ मैच है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच है चेन्नई के साथ। लेकिन अगर वही अगर आप देखोगे परसों तरसों डेली खतरनाक जा रहा है, तो एक मैच छोड़ दो, एक मैच कई मैच होता है। आज का देखो, आज दिल्ली में मैच है सबसे पहला, जो दूसरा जो पॉइंट है ना बहुत खतरनाक पॉइंट है, ट्रेविस हेड फ्लॉप होने का चांस 70% है, ट्रेविस हेड 70%, पर दुनिया ट्रेविस हेड को कैप्टन बना रहा है, 40% कैप्टन है लोगों का, और मैं तो फ्लॉप बता रहा हूँ। एडम मरकरम आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा, 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा, मुझे लगा कि एडम मरकरम बॉलिंग भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि स्पिनर को यहाँ पे हेल्प मिलता है। डेविड वार्नर मुझे लगा आज मस्ट है पिक होगा, इंपॉर्टेंट होगा वार्नर, दिल्ली के पिच पे ना हमेशा वार्नर अच्छा बैटिंग करता है, हमेशा देख लेना, कैप्टन सेफ बनाना चाहे तो बना सको। उमेश मुकेश कुमार मुझे लग रहा है कि शायद आज एक विकेट लेगा, ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा, उम्मीद लग रहा है। हेनरी क्लासन मस्ट पिक होगा, मस्ट पिक होगा, अगर पहले हैदराबाद बैटिंग करे ना तो हेनरी क्लासन को चाहो तो अपनी टीम में वाइस कप्तान कैप्टन भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो क्योंकि ये स्पिनर को अच्छा खेल लेता है। टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों मुझे लग रहा है दोनों में से आज एक अच्छा चलेगा, नटराजन और भुवनेश्वर कुमार दोनों में से कुछ आज एक अच्छा मुझे लग रहा है, दो से प्लस भी विकेट लेके दे सकता है। खलील अहमद, ईशान शर्मा और कुलदीप यादव, ये तीनों मिला के तीन विकेट मुझे लग रहा है लेते हुए दिखाई देगा। पैट कमिंग्स आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट होगा, दो से प्लस विकेट लेके देगा। अच्छा यहाँ पे एक और एड ऑन कर देता हूँ, पृथ्वी शॉ अगर बैटिंग फर्स्ट किया ना तो आज आज आपके लिए ठीक ठाक बैटिंग करके देगा, ठीक ठाक पॉइंट देके जाएगा। पृथ्वी शॉ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पृथ्वी शॉ आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बैटिंग फर्स्ट में। चलिए टीम देख लीजिए, मेरा टीम क्या है विकेट कीपिंग में, सबसे पहले तो मैं हेनरी क्लासन को आज वाइस कप्तान बनाया हूँ क्योंकि स्पिनर को अच्छा खेल लेता है भाई साहब और हमेशा कंटिन्यू अच्छा बैटिंग करता है। ऋषभ पंत है, यहाँ पे एडम मरकरम है, ट्रेविस हेड है, वार्नर है और स्टब्स है, ठीक है। यहाँ पे अक्षर पटेल को मैंने आज अपनी टीम में कैप्टन बनाया है क्योंकि भाई साहब दिल्ली के वेन्यू पे ना अक्षर पटेल बैटिंग बहुत तगड़ा करता है, बहुत अच्छा करता है और ऊपर से बॉलिंग भी बहुत अच्छा करता है। अभिषेक शर्मा है, पैट कमिंग्स है, खलील अहमद है और कुलदीप यादव है, ठीक है। बट यहाँ पे सबका 40% कैप्टन है आज ट्रेविस हेड। फर्स्ट बैटिंग में अगर ट्रेविस हेड बैटिंग किया, सेकेंड बैटिंग में तो भाई फ्लॉप होने का चांस पूरा है, हाई है, क्योंकि आपको बताता हूँ दिल्ली का पिच बिल्कुल डिफरेंट पिच है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, पिच रिपोर्ट नहीं सुना होगा, जाके सुन लेना, ठीक है, सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल मेरा टीम ये है, कुछ ये टीम है। ग्रैंड लीग में मैं कुछ टीमों में ट्रेविस हेड को ड्रॉप करके चलूंगा आज के मैच में। बाकी यहाँ पे अगर और बॉलर अगर अपनी टीम में रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो बॉलर, जैसे कि अगर आप चाहो तो भुवनेश्वर कुमार को रख सकते हो, रिकॉर्ड अच्छा है, भुवनेश्वर कुमार भी आज अच्छा करते हुए दिखाई दे सकता है। ईशान शर्मा सेकेंड इनिंग में मुझे लग रहा है कि अच्छा करेगा, फर्स्ट इनिंग में अच्छा नहीं करेगा, तो उसको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी कैप्टन अक्षर पटेल को बनाया हूँ, अगर आप चाहो तो आप वार्नर को भी कैप्टन बना सकते हो क्योंकि दिल्ली के पिच पे वार्नर भी अच्छा बैटिंग करता है। और पृथ्वी शॉ को मैंने अपनी टीम में नहीं रखा है, अगर दिल्ली पहले बैटिंग करे तो कहीं ना कहीं आज पृथ्वी शॉ के साथ भी जाना, पृथ्वी शॉ भी आज आपको ठीक ठाक एवरेज पॉइंट देके जाएगा। लेकिन हाँ, पृथ्वी शॉ को अगर आप ड्रॉप भी कर दोगे ना, उससे बेटर ऑप्शन आपके पास बॉलर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स को ठीक ठाक विकेट मिलता है। बाकी देखो अगर इनमें कोई चेंजेस हुआ तो फाइनल टीम में टेलीग्राम पे देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगा, जैसे क्लिक करोगे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वरना आप सर्च कर सकते हो @KUMAR508TFCE। जब आप ये सर्च करोगे ना, आपको 2,45,000 का, ठीक है, इतना का आपको टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, जाके ज्वाइन हो जाना। इसके पहले पता कितना था, जब IPL स्टार्ट हुआ था 1,57,000, अब सोचो 2,45,000 हो चुका है, तो जाके ज्वाइन हो जाना, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। बाकी तो एक ग्रैंड लीग टीम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो अगर आपको ग्रैंड लीग टीम अगर आज आप बनाना है ना, क्या कर सकते हो आपको बताता हूँ, एक ग्रैंड लीग टीम आपको बताता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया, आपके लिए फायदा भी होगा। देखो अगर दिल्ली अगर बैटिंग फर्स्ट करे तो अपनी टीम में क्या करना, पृथ्वी शॉ को जरूर रखना ग्रैंड लीग में, GL में।
पृथ्वी शो को रखना, किसके जगह रखोगे पृथ्वी शो को, तो आपको बताता हूँ पृथ्वी शो को किसके जगह रखूँ। स्टब्स के जगह रख सकते हो अपने टीम में, या तो आप चाहो तो ट्रेविस हेड की जगह रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे रख लो पृथ्वी शो को, ठीक है, ग्रैंड लीग में। और स्टब्स के जगह हम क्या करेंगे फिर, ईशांत शर्मा को लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे ईशांत शर्मा को, क्योंकि मैंने आपको बताया सेकेंड इनिंग में ये शायद आपको अच्छा बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। तो मेरा जो कैप्टन होगा वो होगा वार्नर, और वाइस कैप्टन होगा वो होगा हमारा अक्षर पटेल, ठीक है। ये ग्रैंड लीग टीम वन, एक नंबर ग्रैंड लीग टीम। अब दूसरा ग्रैंड लीग टीम में हम क्या करेंगे, अगर हम दूसरा ग्रैंड लीग टीम बनाएंगे, बाय द वे अगर हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगा तो हमारे टीम में ट्रेविस हेड भी होगा, मरकरम भी होगा, क्लासन भी होगा हमारे टीम में, अभिषेक शर्मा भी होगा। फिर हम यहाँ पे खलील अहमद को अपनी टीम में नहीं रखेंगे, खलील को नहीं रखेंगे, और हम अपनी टीम में भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में पिक कर लेंगे, भुवनेश्वर कुमार को। तो इसके जगह हम अपनी टीम में भुवनेश्वर कुमार को पिक कर लिए, और ट्रिस्टन स्टॉप जो है ना ये, तो इसको हम अपनी टीम में फिर नहीं रखेंगे। इसके जगह हम किसको रखेंगे अपनी टीम में, तो देखो यहाँ पे अगर देखो कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील है, इधर से देखो जयदेव उन्नटकर, टी नटराजन है। तो हम अपने टीम में क्या करेंगे, अब्दुल सामद को रख लेंगे, क्योंकि अब्दुल सामद जो है वो राइट आर्म अगर देखोगे ना स्पिनर है, और सामने में लेफ्टी भरा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं हम अब्दुल सामद को पिक कर लेंगे खलील अहमद की जगह, अब्दुल सामद। और कैप्टन हम बनाएंगे उसमें मरकरम को कैप्टन बनाएंगे, वाइस कप्तान हेनरी क्लासन को बनाएंगे। ये ग्रैंड नंबर ग्रैंड लीग टू। तो अगर दिल्ली पहले बैटिंग करे तो मैंने आपको बता दिया, अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करे तो कैसे आपको ग्रैंड लीग टीम बनाना है, रिस्क लेना है आज आपको, ठीक है। लेकिन आज आपके लिए जीएल का कैप्टन आपको बताता हूँ, दो तीन प्लेयर का नाम बताता हूँ। एक तो अक्षर पटेल सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है, आज जीएल का कैप्टन है। हेनरी क्लासन बेस्ट लग रहा है, एडम मरकरम बेस्ट लग रहा है, और वार्नर, ये चार प्लेयर आज जीएल में आप रोटेट करके चलना, कैप्टन बनाना आपको बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक बटन जरूर दबा देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिनअप करके दे दूंगा। बाकी आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, लिखना है @KUMAR508TFC, ये टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करना, आपको 2,45,000 का टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेल